हैं कि वो कौन सी मेल्स हैं जो आपको एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के बाद आ सकती हैं, या वो कौन सी मेल्स हैं जो मुझे आई हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, अभी सितंबर इनटेक 2024 में मैंने यूके में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो 28 जून को मेरी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट थी, तो तब मेरे बायोमेट्रिक वगैरह हुए। अब 28 जून को बनता है फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे संडे था, तो वो वर्किंग डेज में काउंट नहीं होता। तो सबसे पहली जो मेल आई थी मुझे वो ये थी, जी आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया, मतलब आपका पासपोर्ट हमारे पास आ गया, तो हमने अब UKVI को दे दिया प्रोसेसिंग के लिए। और जो मुझे दूसरी मेल आई थी वो NSF थी, अब नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल। अब इस मेल का क्या मतलब होता है, ये मेल कोई नहीं, किसी ज़रूरी नहीं कि सबको ही आए, लेकिन ज़्यादातर को आती है। आप किसी भी रैंडमली स्टूडेंट को उठा के कह देते हैं जी आपका जो केस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो जो हमारा टाइम लिमिट है उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो ये मेल जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये होती है NSF। इसमें ये बताते हैं जी आपका जो डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हो गए हैं, तो हमारा जो स्टैंडर्ड सर्विस है, प्रायोरिटी पे तो 5 डेज लगते हैं, अगर स्टैंडर्ड है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर ही, 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको अपडेट दे देते हैं। तो ये इस मेल में सिंपली ये कहते हैं जी आपका जो टाइम है वो 15 दिन से ज़्यादा लग सकता है। तो ये थी दूसरी मेल। अब जो तीसरी मेल आई थी वो थी इंटरव्यू की मेल। अब ये मेल भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, डियर मोहसिन अली, ये देखा जी हम VFS सेंटर से आपसे रब्ता कर रहे हैं, इंटरव्यू की डेट उन्होंने मुझे दी, इंटरव्यू का टाइम, उसके बाद इन्होंने बोला अगर आप अवेलेबल हैं तो ये स्टूडेंट इंटरव्यू वाली होम ऑफिस वाली जो मेल है इस पे अपना रेफरेंस नंबर डालें और हमें कन्फर्म करें जी आप इंटरव्यू उस दिन देंगे। तो खैर ये सब कुछ मैंने कर दिया। उसके बाद इन्होंने बताया कि आपका MS टीम पे इंटरव्यू होगा, वो एप्लीकेशन है क्रोम पे ऑनलाइन भी ओपन हो जाता है। और उसके बाद इन्होंने बोला जी आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन आपका गुड हो। इंटरव्यू मैक्सिमम 30 मिनट का ही होता है, लेकिन सम टाइम होता है कि 1 घंटे से ज़्यादा भी चला जाए। इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होगा। तो ये सिंपली थी मेल्स मुझे आई हैं। तो अब वीडियो तो ये मैं लेट बना रहा हूँ, इंटरव्यू मेरा 12 जुलाई का हो गया हुआ है, तो खैर मैंने वो इंटरव्यू रिकॉर्ड भी किया हुआ है। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं यूट्यूब पे वही शेयर करूँगा जो मैंने अपना सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया हुआ है, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो जनाब ये सारी मेल्स हैं जो मुझे एम्बेसी की तरफ से आई थी। तो अभी इंटरव्यू जैसा कि मैंने बताया मेरा हो गया हुआ है, तो अब जैसे कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और जो मेरा रिकॉर्डेड इंटरव्यू अवेलेबल है मेरे पास वो भी मैं इसी चैनल पर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।